हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइज, वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू योर सीरीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस का क्लासिफिकेशन जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स में, उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, और इन दोनों का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम बात करने वाले हैं, लेके इन दोनों को डिफरेंस को भी समझेंगे। सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है उसमें मिल जाएंगे। पूरा सीरीज से चलते आ रहे हैं, तो पहले वाले पार्ट्स आपको जरूर देख लेने चाहिए अगर आपने नहीं देखे हैं। और इसको आप लास्ट तक देखेंगे, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आए देन आप इसको लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप न्यू हैं। राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो जो बिजनेस होता है, बिजनेस में हमने पढ़ा कि व्हाट इज बिजनेस, राइट। इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, एक होती है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों मिलकर ही क्या बन जाते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस में हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जो ये प्रोडक्शन वाला पार्ट है उससे कंसर्न्ड है आपकी इंडस्ट्री, और ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का पार्ट है वो आता है आपके कॉमर्स के अंदर। तो इतना तो क्लियर हो पा रहा होगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो इंडस्ट्री में बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन है गुड एंड सर्विसेज का, वो करती है आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बनती कैसे है, जब बहुत सारी फैक्ट्रीज जो कि एक ही तरीका का काम कर रही होती है, वो एक साथ ग्रुप अप हो जाती है, सम अप हो जाती है, तो वो कलेक्टिवली मिलके क्या फॉर्म कर लेती है, आपका इंडस्ट्री। जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज है जो शूज प्रोड्यूस करते हैं, तो जब वो सारे शूज प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री आपस में एक साथ मिल जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, इंडस्ट्री, डेट इज योर शूज इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हमने समझा कि इंडस्ट्री क्या होता है। कॉमर्स बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, आपका एक्सचेंज करता है, डेट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब जो इंडस्ट्री ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको बेचने का जो काम आता है वो आता है आपके कॉमर्स के अंदर। तो ये दोनों चीजें जब आपस में साथ आती है तो मिलके क्या बना लेती है, बिजनेस बना लेती है, जो कि बेसिक एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉमर्स इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है और ये दोनों कैसे मिलके बिजनेस को बनाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ योर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारे टाइप्स की इंडस्ट्री होती है, उसको भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि उससे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ गाइस, वी आर क्लासिफाइंग द इंडस्ट्रीज ऑन द वेरियस बेसिस। सो यहाँ पे सबसे पहले जो बेस हम लेने वाले हैं वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, किस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसके बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। सो पहला आपका आ जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का बेसिक मतलब क्या है कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से एक्सट्रैक्ट करने में जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, अलग करने में, निकालने में इन्वॉल्व होती है, वो क्या होती है, आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है। इसका सब जो सिंपल एग्जाम्पल है वो है आपका माइनिंग। माइनिंग इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, खुदाई करना जमीन से और जो मिनरल्स हैं उनको निकालना, देन उनसे मेटल को, प्योर फॉर्म को अलग करना। तो ये सारी काम जो इंडस्ट्रीज करती है वो आ जाती है आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट जो आपके आती है वो आती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का क्या होता है, जो जीन्स हैं, मतलब कि तो जीन्स होते हैं जैसे कि फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, इसमें क्या आप क्या कर रहे हैं कि एक जीन्स को दूसरे जीन्स के साथ कंबाइन करके और सारा जीन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब फर्दर रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, फर्दर जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है नए और उनसे रिलेटेड वंस का, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये आपको जो वर्क आती है वो करती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री, लाइक फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो फिश से और ज़्यादा फिशेस ला रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में भी आप बहुत ज़्यादा पोल्ट्री यू नो फार्म बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है वो होती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इन दोनों को समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना, लाइक शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर बना रहे हैं आप, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो ये क्या है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो होती है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, मतलब आप किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, लाइक ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती है वो आती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। सो ये फर्दर पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस, किस टाइप की गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें पहली आ जाएगी आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, मतलब जो कंज्यूमर के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ऐसे गुड जिनका फाइनल कंजम्पशन होगा कंज्यूमर के थ्रू, वो इंडस्ट्रीज। और प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो मशीन्स प्रोड्यूस करती है, मतलब जिसका आप फर्दर यूज करेंगे
फिनिश गुड प्रोड्यूस करने में, डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं, उसको आप प्रोसेस करेंगे देन यू विल यूज दैट. तो प्रोड्यूसर गुड्स आ जाएंगे और क्या है आपका कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज. आती है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं. एक होती है हैवी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज, मतलब जहां पे आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज्यादा पैसे आपके लगे हैं. और हैवी इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करती है, लाइक शिप्स बना रही हैं, एरोप्लेन से रिलेटेड पार्ट्स बना रही हैं, तो ये क्या है आपकी हैवी इंडस्ट्रीज है. लाइट इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो लाइट गुड प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसमें ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, जिसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगती है, तो वो क्या हो जाती है आपकी लाइट इंडस्ट्रीज हो जाती हैं. ठीक है, तो उसको भी आप याद रख. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, कितने एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं. रीजनल इंडस्ट्रीज जो रीजन में, पर्टिकुलर एक रीजन में वर्क कर रही हैं, नेशनल इंडस्ट्रीज जो कंट्री में आपके नेशन में वर्क कर रही हैं, और इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी जो आपकी कंट्री में तो है और उसके साथ ही साथ उसकी ब्रांचेस फर्दर फॉरेन कंट्रीज में भी हैं, तो इसके बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. लास्ट जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का साइज कितना है, कितने मार्जिन में आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी आप इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो होती है जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करती है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे डोंट प्रोवाइड, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं वो प्रोडक्शन वर्क जो है वो आपका करते हैं. तो ये होता है आपका फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर लिया, ये सारे बेसिस आपको याद रखने हैं. अगर आते हैं आप तो इनको क्लासिफाई करके इंडस्ट्रीज को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉमर्स की. कॉमर्स में हमने बात किया था कि ये क्या होता है, एक्सचेंज से इन्वॉल्व है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज से इन्वॉल्व है, मतलब इंडस्ट्रीज से क्या करते हैं गुड्स जो है वो परचेज करते हैं, देन फर्दर को क्या करते हैं सेल करते हैं टू योर कस्टमर. तो ये क्या है आपका कॉमर्स है. कॉमर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ट्रेड्स में और एड्स टू ट्रेड्स में. ट्रेड्स बेसिकली क्या होता है कि गुड एंड सर्विसेज को क्या करना है आपको खरीदना है और बेचना है, और एड्स टू ट्रेड क्या करते हैं इस ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है खरीदना है उसके लिए आपको बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत होती है, उसमें क्या करते हैं ये आपको हेल्प करते हैं. बहुत सारे एड्स ऑफ ट्रेड हो सकते हैं, जैसे कि आपके वेयर हाउस हो सकते हैं, आपने गुड्स को खरीदा तो आपको उसको कहीं स्टोर करना होगा, उसमें वो हेल्प करेगी ताकि आप फर्दर सेल कर पाए वो खराब ना हो, ठीक है. बैंकिंग हो सकता है, आपको पैसे की जरूरत हो सकती है उन गुड्स को खरीदने के लिए या उन पे फर्दर वर्क करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है आपका बैंकिंग एड्स टू ट्रेड में वर्क कर रहा है. इसी तरीके से फर्दर और भी सारे एड्स ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके ट्रेड को, जो भी आपका एक्सचेंज है उसमें क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं. तो ये है आपका फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि आपका कॉमर्स का, तो ये भी आपको याद रखना है. सो यहाँ पे हमने बेसिकली बात की है बिजनेस को, उसको क्लासिफाई किया इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में. फर्दर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप, और उसके बाद हमने कॉमर्स को डिफाइन किया. कॉमर्स क्या होता है उसको जो सब डिवाइड करते हैं ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, उसको भी हम लोगों ने देख लिया है. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा. उसमें हम और भी डिटेल में बात करने वाले हैं, जो आपका बिजनेस के साथ जो एक टर्म है ऑर्गेनाइजेशन उसको हम देखेंगे. राइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.